निंग एवरी वन वेलकम टू एस डी कॉमर्स करियर सेक्टर टेन पंचकूला हम लोगों ने नवम्बर ट्वेंटी फोर के लिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया दैट इज रिगार्डिंग द डेक्लेन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड जिसमें सर हमारी शॉर्ट डिस्कशन में फर्स्ट पेज हम कंप्लीट कर चुके थे सो विद इन फाइव मिनट पहले तो उसको गोथ्रू करेंगे एंड नए टॉपिक के आगे डिस्कशन करते हैं सर डिविडेंड टॉपिक जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये बुक वाइज चैप्टर एट ही नहीं आपके कंपनीज एक्ट का भी चैप्टर नंबर कौन सा है एट क्लियर बिकॉज कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है कंटेनिंग द वेरियस नंबर ऑफ हंड्रेड में इसके सेक्शन जाते हैं सो डिविडेंड टॉपिक में आपके पास टोटल सेक्शन आपको कितने देखने को मिलेंगे वन ट्वेंटी थ्री से लेकर वन ट्वेंटी सेवन हम लोगों ने लिटिल बिट डिस्कशन अभी जो स्टार्ट की थी दैट इज रिगार्डिंग वन ट्वेंटी थ्री क्लियर बट उससे पहले डिविडेंड का मीनिंग आपने पढ़ा एज पर द सेक्शन टू क्लियर सब सेक्शन थर्टी फाइव के अकॉर्डिंग जो बताया गया वो तो जस्ट एक टाइप थी कि डिविडेंड इंक्लूड्स डिविडेंड क्लियर बट नॉर्मली सर हम लोगों ने अपने लिए एक मीनिंग जो ड्रॉ करा कि डिविडेंड अपने आप में क्या चीज होती है डिविडेंड इज जस्ट बेसिकली रिवॉर्ड रिवॉर्ड और यू कैन से रिटर्न रिटर्न किसके ऊपर जितनी भी शेयर होल्डर्स के द्वारा अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो कंपनी उसके ऊपर जो पे आउट कर रही है दैट इज बेसिकली अ डिविडेंड एंड डिविडेंड होता है सर हमारा दो तरह का वन इज फाइनल डिविडेंड एंड सेकेंड इज इंटरम डिविडेंट क्लियर सर फाइनल डिविडेंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनुअल डिविडेंट जो हर साल एजीएम पे क्या किया जाता है डिक्लेयर किया जाता है पे आउट किया जाता है क्लियर बट एंटरम डिविडेंड इज जस्ट बेसिकली अ पार्ट ऑफ डिविडेंड फॉर वाइल जिसको हम कह सकते हैं कि सर मैं एनुअल अभी डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि एजीएम अभी इस ईयर की होगी तो उससे पहले मैं जस्ट एक पार्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ क्लियर क्योंकि पुरानी एजीएम हो चुकी नए वाली एजीएम होगी एंड तब तक मैं वेट नहीं करना चाहता मैं मार्केट में अपनी एक क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करना चाहता हूं लोगों में अपना एक विश्वास बनाना चाहता हूं तो मैं पहले से ही क्योंकि मुझे एंटीपेटेड प्रॉफिट्स क्या दिख रहे हैं बढ़िया दिख रहे हैं कि मेरी कंपनी एक बढ़िया प्रॉफिट्स कमाएगी इस साल तो मैंने अपने शेयर होल्डर्स को पहले से ही डिविडेंड बांटना क्या कर दिया शुरू कर दिया बट सर अगर रेट वाइज नॉर्मली बात की जाए तो रेट वाइज तुम्हें दोनों में से ज्यादा कौन मिलेगा नेचुरली फाइनल डिविडेंड एंटायरम तो जस्ट अपने आप में क्या था एक पार्ट क्लियर अब बात आती है रिकमेंडेशन एंड डेक्लेन को लेकर सबसे पहले व्हाट अबाउट द फाइनल डिविडेंड फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड कौन करेगा एंड क्या रिकमेंड करना डिक्लेयर करना रिकमेंड करना जस्ट प्रपोज कर सर रिकमेंडेड बाय द क्या होगा बोर्ड एंड डिक्लेयर बाय द क्या होगा मेंबर्स कहाँ पे एजीएम में वो भी बाय पासिंग ओ आर वट मीन बाय ओ आर रेजोल्यूशन जो कि कैसे पास होता है मेजोरिटी मेजोरिटी वोट्स आपको क्या चाहिए फेवर में चाहिए देन वो डिसीजन आपका रिजॉल्ड माना जाएगा रेजोल्यूशन पास माना जाएगा क्लियर प्लस द मेन थिंग इज यहां पे ये जो डेक्लेन ऑफ फाइनल डिविडेंड इन द एजीएम है ये एक मैटर ऑफ क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब अगर एजीएम बुलाई जाएगी वन ऑफ द एक्टिविटी ये तो होगी ही होगी देन आफ्टर दैट एक रेगुलेशन 80 की थोड़ी सी रेफरेंस आपको दी गई थी रेगुलेशन 80 ऑफ टेबल एफ आपको क्या कहती है कि मेंबर्स उस रिकमेंडेड रेट को डिक्रीज कर सकते हैं सेम रख सकते हैं बट इंक्रीज नहीं कर सकते एंड वॉट अबाउट द एंटायरम डिविडेंड सर एंटायरम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोट क्लियर सो so, अभी तक हमारा एंटायरम डिविडेंड को लेकर कोई सेक्शन नहीं मिला वो लास्ट में जाके हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे जब एंटायरम डिविडेंड का नोट आपके पास आएगा कि रेट कितना हो सकता है क्या कोई रिस्ट्रिक्शन क्या कोई कंडीशन को लेकर वन बाय वन पॉइंट आपको मिलेंगे क्लियर देन सर वन में आप लोग स्टेप इन करें वन में पहले तो मीनिंग क्या था कंडीशन कि मैं आपको गाइड करूंगा कि जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कैसे किया जाएगा जिनमें से नंबर वन सबसे पहला पॉइंट आया सोर्स सोर्स होते हैं जी दो वन इज प्रॉफिट इज मनी प्रोवाइडेड बाई किसके द्वारा सी जी और एस जी इन गारंटी गिवन बाय नॉर्मली प्रॉफिट्स कौन से सर प्रॉफिट्स भी दो वन इज करंट ईयर के या याटेड पीएल सिंपल वर्ड प्रीवियस ईयर या इयर्स क्लियर जो कि रिमेनिंग क्या होंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे मतलब आर एस रिजर्व एंड सर्विस क्लियर Then, after that आपके पास आया कि 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 सर सर फिर क्या 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 होगा कि profits को compute कैसे करवाया जाए हमने यहां पे कुछ पढ़े दो सर, एक point, क्या? कि depreciation must be क्या हो जानी चाहिए Provided. And depreciation as per schedule Last point जो आपने पढ़ा था कल क्या ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है पहली बार डिविडेंड वर्ड किसके लिए चल रहा है कंपनीज के लिए कंपनीज में कंपनीज में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन जाती है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं होती वो किसके अकॉर्डिंग होती है कंपनीज एक्ट 2013 के नंबर वो वो गाइड करेगा बताएगा कौन सी एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है वो बताएंगे कौन सी एसेट को किस रेट से डेप्रिशिएट करना है मेथड कौन सा होगा एवरीथिंग कहां पे मिलेगी स्केड्यूल टू तो मोस्टली मोस्टली कहीं अगर आपको डेप्रिसिएशन वर्ड पढ़ने को मिला कंपनीज एक्ट का वहां पे स्केड्यूल टू आपके पास आएगा ही आएगा क्लियर सो नेक्स्ट है कोई रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट या लायबिलिटी जिसको तुम कैरी करते हो कहां पे, पे हमें पता है इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं बट सर वो अनरियलाइज्ड गेंस की आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी जगह should be क्या था then after that, then after that, कहते सर, अच्छा चलो मैंने प्रॉफिट भी सही निकाल लिया में भी था क्या मैं यूज कर लू कहता वेट यूज करने से पहले दो आइटम्स नंबर वन इस पिछले साल के जितने भी कोई लॉसेस जिसको तुम कहते हो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जितने भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होंगे एंड जितनी भी लास्ट ईयर्स की कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगी यहाँ पे अकेला वर्ड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है आप साइड पे वर्ड मेंशन कर लीजिए क्या unabsorbed. वो लिखा हो ना नॉट प्रोवाइडेड फॉर नॉट प्रोवाइडेड फॉर का मतलब ही क्या है अनएब्सॉर्ब तो सर अगर कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है या कोई प्रीवियस ईयर के लॉसेज हैं तो उनको पहले क्या करिए सेट ऑफ करिए उसके बाद पैसा क्या करिए यूज करिए क्लियर सो so, कल हमने कुछ ये पॉइंट्स क्या करे डिस्कस करे लेट स्टार्ट विद द न्यू वन यस प्लीज सबसे पहला पॉइंट आता है जी मेन वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ ट्रांसफर टू सर हमें भी पता है कि डिविडेंड बांटना इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ये अपने आप में क्या है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में बात करूं तो डिविडेंड अपने आप में वर्ड क्या है जस्ट एक अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होंगे तो बांटेंगे इतनी तो मेंबर्स को भी तो समझ है अल्टीमेटली सर अल्टीमेटली एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन में आता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पढ़ने को मिलेगा इंपॉर्टेंट डिसीजन में बिजनेस स्टडीज में भी आया होगा प्लस टू लेवल पे तीन डिसीजन अपने मेन होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंट डिस डिविडेंट बांटा जाए या ना बांटा जाए ये भी मैंबर्स की Member, सोच समझ के देखेंगे तो हमें इतनी बात क्लियर है कि सर कि ये एक अप्रोप्रिएशन है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो क्या कोई अमाउंट क्या कोई अमाउंट डिविडेंड बांटने से पहले या डिविडेंड बांटते टाइम क्या कुछ अमाउंट रिजर्व्स में भी जानी चाहिए क्या कोई ट्रांसफर रिजर्व्स में भी होने चाहिए इज देयर एनी ऑब्लिगेशन अंडर सम लॉ सर प्रीवियस एक्ट में हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956 में पहले प्रोविजन थी बट नए एक्ट में बिल्कुल इसको वर्ड क्या कर दिया गया ऑप्शनल कर दिया गया कंपनी ट्रांसफर करना चाहती है वॉलंटरी कर ले आपकी इच्छा हम किसी तरह की कोई मैंडेशन आपके ऊपर नहीं डालेंगे जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में था पहले डिविडेंड के रेट के मुताबिक कि अगर आपका डिविडेंड का रेट कितना होगा 5 से 10% देन 2.5% ऑफ द प्रॉफिट्स कहां पे जाएंगे रिजर्व्स में अगर होगा 10 से पंद्रह परसेंट देन पांच परसेंट अब तो प्रोविजन ही खत्म कर दी गई वो पहले थी मैंडेशन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है वर्ड पढ़िए सर ट्रांसफर टू रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व इज एज क्या लिखा हुआ है नॉट सिंपल वर्ड लिख ऑप्शनल इट्स ऑप्शनल सर ये कंपनी की मर्जी ये कंपनी की ऑप्शनल पॉइंट है कि वो ट्रांसफर करना चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है नहीं करना तो मत करे कोई किसी तरह का नॉन कंप्लायंस नहीं होगा शायद मेरे माइंड में आज हाँ सर वर्ड तो पढ़ा था कि ट्रांसफर टू रिजर्व को लेकर था नहीं इट्स ऑप्शनल करना चाहो करो और वो भी कितनी परसेंटेज करनी है तुम्हारी मर्जी हमारा तुमसे कोई लेन देन नहीं हम किसी तरह की गाइडेंस किसी तरह की मैंडेशन आपको नहीं देंगे तुम्हारी इच्छा कि तुम्हें लग रहा है कि ये अप्रोप्रिएशन है रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो जानी चाहिए एज यू विश जो आपको सही लगे अगली लाइन कंपनी मे ट्रांसफर टू रिजर्व अंडर इन द वर्ड परसेंटेज, सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट एज इट मे डीम जो तुम्हें सही लगता मतलब मेरे लिए ये है, ये दो लाइनें। कई बार ये मेजरली क्वेश्चन तो लास्ट फोर फाइव ईयर्स में तो कई बार आ चुका कि अल्टीमेटली क्योंकि बच्चों को वही कहीं ना कहीं वो पुरानी बात याद आ जाती है हाँ सर पहले कुछ प्रोविजन हुआ करती थी कि जब हम रिजर्व्स में अमाउंट क्या करते थे ट्रांसफर करते थे बट आज की डेट में सर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है चलिए मेन पॉइंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है ऑफ 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 डिविडेंड आउट आउट से एक बार बता मैंने कल तुमसे एक सवाल पूछा था सिंपल सा कि अगर मेरे पास करंट ईयर के प्रॉफिट्स कम हैं करंट ईयर के प्रॉफिट्स कम हैं क्या मैं डिविडेंड ज्यादा नहीं बांट सकता क्या मैं अप टू प्रॉफिट्स तक ही बांटूंगा आपने क्या कहा सर करंट ईयर के प्रॉफिट कम होंगे okay. पुराने तो पड़े हैं वहां से ले लो रिजर्व में से पैसा निकाल लो अपने सोर्सेस में पड़ा दैट इज एक्यूमुलेटेड पीएल विच रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो तुम्हारे पास पड़े वहां से ले लो किसने रोका कहते सर रोका तो किसी ने नहीं है बट देर आर रूल्स कंपनीज रूल में कंपनीज रूल में कुछ कंडीशंस दी गई कहता देख करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से बांटेगा ना जितना मर्जी बांध कोई नहीं रोक टोक सारा बांट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है पर अगर, पर अगर, अगर, तूने एक रुपया भी कहां से यूज करा रिजर्व में से कहां से, रिजर्व में से, रिज़र्व में ये कंडीशंस क्या हो जाएंगी एक्टिव हो जाएंगी देन, इन कंडीशंस के मुताबिक ही डिविडेंड क्या किया जाएगा बांटा जाएगा मतलब सर, मैं इसको वर्ड कहूं केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स अच्छा मान लो करंट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्या डिविडेंड बांट सकता देन ओनली सोर्स क्या होगा रिजर्व प्रीवियस ईयर के रिजर्व तो मतलब ये थोड़ी सी चीजें सही करोगी शायद करंट ईयर में तो प्रॉफिट ही नहीं थे तो आपने डिविडेंड कहां से बांटा बहुत कंपनियां बांटती हैं बट वो कहां से बांट रही हैं अपने रिजर्व में से या व्हेन करंट ईयर प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट इतने प्रॉपर नहीं पड़े मैं डिविडेंड बांटने की बात कर रहा हूं दस लाख रुपए प्रॉफिट कमाया ही कितना है छह लाख रुपए और ऊपर से जो छह लाख प्रॉफिट कह रहे हो वो तो पीछे वाली एडजस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन डालनी पड़ेगी अनरलाइज गेन्स हटाने पड़ेंगे मेरे पास तो रह गया कर कर आगे चार लाख बांटना चाहता हूं मैं दस लाख अब मेरी नजर किस पे पड़ेगी रिजर्व मैं क्या ये खटक रहे इनमें से उठाओ छह लाख रुपए यहां से लेंगे तब जाके डिविडेंड बांटेंगे कहता सर इट्स नॉट सो इजी जितना आप सोच रहे हैं कि छह लाख रुपए रिजर्व में से निकाल लो और अपना दस लाख पूरा हुआ डिविडेंड बांटना शुरू कर दो ये नहीं चलेगा वर्ड पढ़िए इफ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको क्या दिखती है इन एडिकुएसी मतलब इन या फिर वर्ड क्या लिखा हुआ है एप्सेंस तेरे को यहां से क्लियर हुआ क्या कि भाई साहब अगर एपसेंस भी हो तो भी तुम क्या बांट सकते हो डिविडेंड बट कहां से पुराने रिजर्व में से नहीं मोस्ट बच्चे कई बार गलती ये है करते हैं सर इस बार तो लॉस हुआ है तो डिविडेंड कहां से देंगे सोर्सेस ध्यान से पढ़ो सोर्सेस में क्या लिखा हुआ था करंट फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर ठीक है करंट ईयर में नहीं कमाया तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जो पीएल पड़े हैं जो रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं वहां से बांट दो बट हां कुछ कंप्लायसेस हैं कुछ कंडीशन हैं इनको फॉलो आपको जरूर करना पड़ेगा क्या बट अ कंपनी यस प्लेस

Dividend distribution, free reserves are those reserves. Free reserves are those reserves which are available for dividend distribution. हुआ clear point सर वो जो पैसा था वो जो accumulated pl था वो कहाँ पे ट्रांसफर हो चुका था free reserves में से अब तेरी नज़ने पे और किस पे पड़ी हुई है free reserves पे कि इनमें से पैसा निकालो और अपना डिविडेंड बांटो कहता सुनो द कंपनी शेल कंप्लाई विद विद कंप्लाई रूल्स जो कि विद्राइब्ड बाय क्या होंगे सीजी कल आपको एक नई चीज बताई थी कि कंपनीज एक्ट बड़ा सिस्टमेटिकली बनाया गया हर चीज सेक्शन में एक्सप्लेन ना करते हुए कहां पे एक्सप्लेन की गई है क्यों सर रूल्स को चेंज करना इजी है एक्ट को चेंज करना सेक्शन को चेंज करना अपने आप में क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने स्कीम लगाई कि पावर अगर अपने पास रखनी है इंस्टेंटली यूज करनी है वो तुम्हें पता पार्लियामेंट का हाल अगर एक्ट चेंज करने लग गए या सेक्शन चेंज करने लग गए इट टेक्स क्वाइट लॉन्ग टाइम बेटर है आप रूल्स में लिख दो इन्होंने सेक्शन में क्या लिख दिया हर जगह सच परसेंटेज सच टाइम सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड वो सब कुछ कहाँ प्रेस्क्राइब्ड है रूल्स के और इस बुक में हर रूल तुझे साथ साथ नीचे नीचे लिखा हुआ मिलेगा क्लियर सर प्रोविजन इन कौन सा रूल नंबर क्या सर हमें याद करना है नो no. क्लियर कोई हमें रूल याद नहीं करना इन द गिवन हमने तो फाउंडेशन में सेक्शन याद करे, यहां क्या करेंगे खुद ही ढूंढ ले भाई कौन सा रूल है अपने को नहीं पता क्यों इतने रूल्स मिलेंगे अलग अलग आप बाय नंबर कभी भी कोट नहीं करेंगे सो रूल ऑफ़ द कंपनीज़ डेक्रेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का रूल्स कौन से टू थाउजेंड फोर्टीन क्या सर कंडीशन है ध्यान से समझिएगा मैंने न्यूमेरिकल आपसे ही डिस्कस करवाना है इसके बाद आईसीआई मॉड्यूल में से ही ये आपके अकाउंट्स में भी काम आएगा क्वेश्चन ठीक है डबल डबल साइज चले सबसे पहले सर ये सिचुएशन अराइज कब हुई पहले बताओ ना 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 जब आपके करंट ईयर के प्रॉफिट्स क्या थे इनएडिकुए या क्या थे या तो थे ही नहीं या कम थे और तेरी नजरें किस पे टिकी हुई थी रिजर्व पे कि मैं इसको यूज करना चाहता हूं बट यूज करने के लिए तुझे रूल थ्री का क्या करना पड़ेगा कंप्लायंस रूल थ्री थ्री कंडीशन क्या सबसे पहला सबसे पहला किसको लेकर कहते मन मर्जी नहीं चलेगी पंद्रह परसेंट दे दो बारह परसेंट दे दो ये नहीं चलेगा पहली बात अपने हालात देखो कि आप लोग करंट ईयर में तो प्रॉफिट है नहीं तेरे पास और तुम लगे हो लुटाने पे। कहते ना कंपनीज एक्ट ने इसको क्या कर दिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो आप रेट डिक्लेयर करेंगे परसेंटेज रेट पढ़िए द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड पहली बात तो नॉट एक्सीड मतलब अप नॉट का मतलब क्या हुआ अप टू इससे ज्यादा किससे ज्यादा द एवरेज ऑफ दी किसकी एवरेज द रेट एट विच डिविडेंड वॉज डिक्लेयर बाय द कंपनी इन द इमीडिएटली प्रोसीडिंग पिछले तीन साल में कंपनी जिस जिस रेट से डिविडेंड बांट चुकी है उन तीनों साल की क्या निकालो एवरेज वट एवर बी द एवरेज रेट उस एवरेज रेट से एक परसेंट भी ऊपर एक छोट पॉइंट फ्रैक्शन भी ऊपर नहीं जाएगा अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं सर पिछले तीन साल इमीडिएट बैक इमीडिएट बैक तीन साल में एक साल था नौ परसेंट एक साल था दस परसेंट क्लियर और एक साल था ग्यारह परसेंट करो तो टोटल नौ प्लस दस प्लस ग्यारह तीस तीस डिवाइड तीन इस साल पहली बात तुम्हारे हालात ऐसा कह रहे हैं मैं रोक नहीं रहा था क्योंकि तुमने हाथ किसको लगाया रिजर्व को तो मैंने क्या कहा इस बार का डिविडेंड का रेट ये तेरे चाह रहे हैं कि बारह परसेंट दे दो शर्म कर लो बारह परसेंट कहां से बांट लोगे रिजर्व्स में तो बांट रहे हो क्या तेरे करंट ईयर करंट ईयर का प्रॉफिट होता तो जितना मर्जी बांट ये कंडीशन लगती ही ना बात है इनएडिक्सी की बात है एबसेंस की प्रॉफिट तो तेरे पास है नहीं कहते नहीं कंपनीज रूल में लिखा हुआ है पिछले तीन साल के जो रेट हैं उनकी क्या करो एवरेज उस एवरेज रेट से ऊपर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करना तो कर ले नौ कर ले आठ कर ले सात कर ले दस कर दस भी कर ले चलेगा बट दस से ऊपर नहीं क्योंकि एवरेज रेट कितना आ रहा था दस परसेंट आगे हाउ एवर Yes बल तो <laughs> <laughs> नहीं होगी नेक्स्ट इसका अब बहुत सारे में समझदार भी होते हैं ऐसा नहीं है लेने वाले पागल है <laughs> क्लियर बहुत सारे मेंबर्स अपना फ्यूचर भी देख रहे होते हैं कंपनी में कि आप अगर उन उन रिटर्न्स को बैक कर दें बैक मतलब दोबारा वहीं पे लगा दें ज्यादा खाएंगे फ्यूचर में ठीक है सर ये वहां पे कंडीशन हो सकती है कि मैं पॉइंट ये बता रहा हूं ये वाला कि ऐसा कैसे हो सकता है सर पहले कभी इन्होंने डिविडेंड दिया ही नहीं हो सकते हैं सर डिविडेंड तो पहले ही क्या था अप्रोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द मेंबर्स डिसीजन है लेना चाहो ले सकते हैं अदरवाइज नहीं हमने अपना सारा पैसा क्या कर रखा था री इन्वेस्ट मैं कहा जी हमें देने की जरूरत नहीं है जो प्रॉफिट पड़े हैं ना रिजर्व एंड सरप्लस में ही रखो कंपनी को ग्रो करो कंपनी को बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो ग्रो करवाओ हम बाद में फ्यूचर में ले, ले लेंगे जब चाहिए होगा क्या पता था कि फ्यूचर में नुकसान हो जाएंगे तब भी नहीं मिलेंगे समझे पॉइंट सो नॉर्मली नॉर्मली यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर तीन साल में प्रीवियस उन्होंने क्या बांटे हुए हैं कोई डिविडेंड्स बांटे हुए हैं तो तीन साल की क्या करेंगे एवरेज एवरेज रेट से ऊपर आप नहीं जाएंगे दिस इज परसेंटेज वाइज ये कंडीशन क्या है परसेंटेज वाइज नंबर टू अमाउंट ड्रॉन पढ़िए द टोटल रिजर्व शेल नॉट एक्सडन शेयर कैपिटल एंड एस पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पहली बात तो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट कौन सी हुई प्रीवियस क्लियर या जो भी जो भी आपके पास अवेलेबल होगी लेटेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल होगी इन दैट केस मैंने क्या कहा अमाउंट अमाउंट टू बी ड्रॉन जो ये अमाउंट आप क्या करेंगे ड्रॉ कहां से ड्रॉ करने की बात कर रहे हो रिजर्व से निकालने की बात कहता जी कितनी अमाउंट निकाल सकता हूं कहता जी मैक्सिमम या जिसको वर्ड कहा गया शेल नॉट एक्सीड शेल नॉट एक्सीड का मतलब क्या हुआ अप टू दिस अमाउंट सो so, ये जो अमाउंट आप निकालेंगे सर लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर वन टेंथ वन टेंथ ऑफ किसका पीयूसी पेड अप कैपिटल प्लस प्लस वर्ड क्या है फ्री रिजर्व इनके एग्रीगेट का इनके एग्रीगेट का दस परसेंट के बराबर वन टेंथ कितना हुआ दस परसेंट ही हुआ मैक्सिमम इतना पैसा विदड्रॉल कर सकते हो फ्रॉम द रिजर्व तुम्हारा क्या पता सारा खेत लुटा दो ऐसे थोड़ी काम चलेगा कहता मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा जितनी तुम्हारी पेड अप कैपिटल है एंड पेड अप कैपिटल में दोनों आई इक्विटी भी आई और प्रेफरेंस भी यार बहुत बड़ी अमाउंट है पेड अप कैपिटल प्लस प्री रिजर्व दोनों के टोटल का कितना कह रहा हूं दस परसेंट एलिजिबल है विदड्रॉ करवा सकते हो मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं हर जगह तुझे लिमिट क्या मिल रही है मैक्सिमम रेट भी क्या मिला मैक्सिमम अमाउंट भी क्या मिली मैक्सिमम वो था शेल नॉट एक्सीड अच्छा नेक्स्ट आओ सर ये जो पैसा निकलवाया ये जो पैसा तुमने निकलवाया क्या यूज कर ले डायरेक्टली बांट द डिविडेंड कहता रुख वही जैसे पिछले वाली कंडीशन पहले इसमें से पहले जो अमाउंट आपने विदड्रॉल करवाई कहां से रिजर्व्स में से द अमाउंट ड्रॉन जो निकलवाई द अमाउंट सो ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व शेल फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ दॉसेज इंकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिविडेंड इज जितना पैसा निकलवाओगे पहले वो तो जितने तेरे लॉसेज आ रहे हैं पहले उनको क्या कर सेट ऑफ कर सेट ऑफ हो गए अब जो पैसा बचा यूज कर हमें कोई दिक्कत समझे पॉइंट अभी तक दो ही कंडीशंस हुई हैं वन इज रेट एंड सेकंड इज अमाउंट अमाउंट कितनी निकलवा सकते हैं वन टेंथ ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस अब आ जाओ सर थर्ड कंडीशन थर्ड पढ़ियों क्या लिखा हुआ है बैलेंस बैलेंस ऑफ रिजर्व एचुअली आफ्टर विड्रॉल ये कंडीशन क्या होगी कि निकालने के बाद जो बैलेंस ऑफ रिजर्व है रिजर्व्स का बैलेंस किसका बैलेंस रिजर्व्स का बैलेंस द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स फ्टर सच ड्रॉल वो करने के बाद शेल नॉट फॉल बिलो शेल नॉट फॉल बिलो मतलब एटलीस्ट वर्ड सब्सिको एट लीस्ट कम से कम मतलब इससे डाउन नहीं होना कम से कम पंद्रह परसेंट ऑफ किसका होना चाहिए पेडअप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि मतलब सर आपने जब विड्रॉल कर लोगे जब आप रिजर्व में से पैसा निकाल लोगे रिजर्व में से पैसा निकालने के बाद भी आपकी जो रिजर्व की सिचुएशन है ना रिजर्व की जो अमाउंट है वो कम से कम कितने बराबर होनी चाहिए अप कैपिटल के पंद्रह अगर तीनों कंडीशन आपकी पार हैं, जितनी अमाउंट आप पो पोस्ट कर रहे हो निकालने के लिए ट्रिप्लीकेट कंडीशन कंप्लायंस करो हमें कोई दिक्कत नहीं यूज करो हमने कब मना करा पर ये तीनों कंडीशंस का कंप्लायंस होना चाहिए किसी एक का भी तुमने अगर क्या करा ब्रीच करा 123 का नॉन कंप्लायंस तुमने कंडीशंस को ब्रीच करे आपने डिविडेंड गलत डिक्लेयर करे बाय नॉन कंप्लाइंग विद द कंडीशंस करा है दैट इज रॉन्ग फिर तेरे पे वही अदर ऑब्लिगेशंस पनिशमेंट्स फाइंस पेनल्टीज जिसने भी ये गलत काम करा मोस्टली तो कंपनी में लाइबल कौन होंगे नेचुरली डायरेक्टर्स उनको सूझबूझ होनी चाहिए ना इस काम की कि जब कहा गया रूल थ्री में तीन कंडीशन है तीनों कंडीशन का कंप्लायंस क्यों नहीं करवाया आगे पढ़िए कंप्लायंस ऑफ रूल थ्री प्लेज नॉट रिक्वायर्ड बाई गिच दर कैपिटल इज हेल्प एक्शन यहां पे लिखिए एग्जाम एक्सम्पशन किसको है सर गवर्नमेंट कंपनी एक्जम्पन किसको है गवर्नमेंट कंपनी बट वो गवर्नमेंट कंपनी जिसमें एंटायर पेड ऑफ कैपिटल अब गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग हम नहीं पढ़ा था बट वहां पे वर्ड क्या था एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट वहां फिफ्टी वन परसेंट भी तो गवर्नमेंट कंपनी होती है बट यहां एग्जम्शन किसको है गवर्नमेंट कंपनी जिसमें एंटायर शेयर कैपिटल किसकी होगी सर हेल्ड बाय सीजी एसजी और बोथ पार्टली बाय सीजी पार्टली बाय एसजी हमें कोई दिक्कत पर सर हंड्रेड परसेंट वालों को एग्जम्शन है नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्शन नहीं मतलब अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में सत्तर परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है सत्तर परसेंट वो भाई, भाई क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या उनको रूल थ्री का कंप्लायंस करना पड़ेगा यस अगर परसेंट है देन कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं क्लियर सो so, मेरे लिए फटाफट एक बार तीन कंडीशंस दोबारा बोलो अपन न्यूमेरिकल करें नंबर वन कंडीशन पहली बात ये सिचुएशन अराइज ही कब होगी जब आपके प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट होंगे या एब्सेंस होंगे Then, आप सोच रहे हैं, पैसा कहां से यूज करने के लिए फ्री okay. रिजर्व में से प्रीवियस ईयर के जो की ट्रांसफर कहा हो चुके थेट्रल गवर्नमेंट अंडर रूल्स रूल थ्री ऑफ द कंपनी रूल टू थाउजेंड फोर्टीन क्लियर तीन कंडीशन वन इज रेट नंबर टू अमाउंट नंबर थ्री बैलेंस रेट रेट पिछले तीन साल की एवरेज yes. रेट से ज्यादा आपका रेट नहीं होना चाहिए नंबर टू अमाउंट टू बी ड्रॉन। कितना पैसा रिजर्व में से निकलवा सकते हो वन इज वन अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इससे ज्यादा पैसा रिजर्व में से बाहर और अगर आएगा उसमें से पहले लॉसेस को क्या करेंगे सेट ऑफ करेंगे और जो भी बैलेंस बचेगा आफ्टर विड्रॉल दैट मस्ट बी इक्वल टू एटलीस्ट किसके बराबर पंद्रह परसेंट ऑफ किसके पेडन लो जी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है सर मॉड्यूल तो नहीं होगा जस्ट अपने को रेफरेंस के लिए चाहिए सोचिएगा रिप्लाई बनाते हैं इसका कैसे कंडीशन को हम यूज करेंगे क्लियर सर क्वेश्चन पढ़िए ड्यू टू सबसे पहले पहला वर्ड ही पढ़िए ड्यू टू दिमाग ऑलरेडी किसमें गया रिजर्व्स ये पक्का अगर प्रॉफिट में से प्रॉफिट तो है ही नहीं इनएडिक्वेट है

नहीं करता होगा बना कर दूंगा पढ़िए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुल अमाउंट फ्रॉम कहां से अकॉर्डिंग टू कहाविडेंड आउट ऑफ रूल्सर सर टू थाउजेंड 2014 मतलब किसकी बात कर रहा है रूल थ्री, थ्री, थ्री चलिए सर आपके सामने कुछ बैलेंसेस पड़े हैं ये सर जी प्रेफरेंस कितनी पड़ी है साढ़े सत्रह एंड सर आपने वर्ड पेड अप कैपिटल वर्ड यूज करा है और और कभी-कभी लॉ में ध्यान देना लिख के समझे पे सिर्फ क्या क्या आएगा फिर equity. अब word क्या था तो तो सर इसमें तो दोनों आएंगी, equity भी आएगी प्रेफरेंस अच्छा इक्विटी कितनी पड़ी है अस्सी लाख इन दोनों को मिलाकर तो क्या बना पीयूसी दैट इज पेड अप कैपिटल क्लियर जनरल रिजर्व कितने पड़े हैं सर पच्चीस लाख कैपिटल रिजर्व कितने पड़े हैं तीन लाख रिवेल रिजर्व कितने पड़े हैं साढ़े तीन लाख एंड नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना पड़ा जी सर पहली बार, मेरे निशाने पे आए ये दो बार। क्या ये दो क्या फ्री होते हैं एक चीज तो वैसे ही नहीं रीवेलशन रिजर्व तो आपने पहले का ये तो कभी फ्री रिजर्व का पार्ट ही नहीं होते और बचा कौन ये तेरा कैपिटल रिजर्व ये तो सर स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं ये जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व के पार्ट नहीं होते ये तो गए बाहर अब चल एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर कितना है सर आपका तुम कितना मांग रहे हो देखे। एक कंडीशन पर नहीं हो सकता था मैं तुझे थोड़ा सा elaborate कर देता पिछले तीन साल के रेट ये हैं आप थोड़ा लिख के दिखा देते कि हाँ तीनों सालों की एवरेज इतनी आ रही है डन सर इसने इकट्ठा ही बता दिया कि एवरेज रेट ऑलरेडी कितना है बारह तुम तो मांग ही कितना रहे हो दस अच्छा दस मतलब इक्विटी वालों को देना इक्विटी वालों को अस्सी लाख रुपए के ऊपर दस कितना हुआ आठ रुपए अस्सी लाख रुपए ऊपर दस परसेंट कितना हुआ आठ मतलब तेरा डिविडेंड रिक्वायर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट तुझे अरेंजमेंट चाहिए कितने रुपए का मेरे पास लेट मी क्लियर मेरे पास पड़े कितने हैं क्या तीन पड़े थोड़ा दिमाग लो प्रॉफिट्स कितने पड़े तीन पड़े हैं क्या जो मैं यूज कर सकता हूं डिविडेंड बांटने के लिए वो वो तो है, छोड़ो परे। वो तो जनरल छोड़ो बाद डिविडेंड देना किसको है? वालों को हमारा पैसा कहा गया सर आपने बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा तो हुआ है, कितना परसेंट इनको नहीं पहले देना पड़ेगा ये भी तो राजी करने पड़ेंगे तो जाके नेक्स्ट आगे बात किस पे आएगी इक्विटी वालों पे पहले निकाल साढ़े सत्रह का नौ परसेंट साढ़े सत्रह का नौ परसेंट वन फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड सर ये देने के इनको देने के के बाद बाद इनको अमाउंट मेरे पास कितनी बचेगी वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तीन लाख में से एक सत्तावन पांच सौ तो कौन लेगे प्रेफरेंस वाले मेरे पास पढ़ाई कितने एक लाख बयालीस हजार पांच सौ देना कितने अब जिस बंदे ने प्रेफरेंस का दिमाग नहीं लगाया वो क्या कहेगा आठ में से तीन बड़ा है पांच चाहिए जबकि आठ के लिए मेरे पास पड़ा कितना है से पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं देंगे अब मेरी नजरें कितनी जारी है सतावन पांच सौ मुझे कहां से चाहिए मैं रिक्वायरमेंट तो निकाल ली कि मुझे इतना पैसा चाहिए अब बताएगा कौन कंडीशंस बताएगा कौन कंडीशन कितनी अमाउंट तुम निकाल सकते हो रेट वाली कंडीशन ओके होगी क्योंकि एवरेज रेट था बारह मैं तो मांग ही कितना रहा था दस एक ओके सेकंड कंडीशन पे आ सेकंड कंडीशन क्या थी वन टेंथ ऑफ किसका पीयूसी प्लस का टोटल दोनों का टोटल इनका कितना आ रही करिए टोटल कैलसी नहीं है क्या चलाओ उंगलियां फटाफट जल्दी एक करोड़ बाईस लाख पूरा बाईस लाख पचास हजार एक करोड़ बाईस लाख पचास हजार इसका कितना परसेंट One tenth? One tenth कितना हुआ सर जी बारह लाख दिख रहा है भी? दिख रहा जी बारह लाख पच्चीस हजार मैं तो ही कितना रहू सतावन पांच सौ आप तो फिर भी मुझे एलिजिबल अमाउंट कितनी कह रहे थे बारह लाख और अच्छा क्या मेरा कोई लॉस वगैरह है मेरे पास तो तीन सरप्लस पड़ा था उल्टा प्रेफरेंस को भी देविटी के आया इक्विटी के लिए बच रहा है कोई लॉस नहीं है अगर लॉस होता तो सर बारह पच्चीस अगर आता ना अगर निकालते बारा पच्ची। बारा पच्ची में से पहले माइनस क्या होता लॉस फिर कंपेयर करते फिर कंपेयर करते कि ये प्रॉफिट अवेलेबल है ये रिजर्व में से अमाउंट अवेलेबल है जो डिविडेंड के लिए यूज कर सकते मैं तो मांग ही कितना रहूं छह लाख सत्तावन हजार पांच सौ एक बयालीस पांच सौ मेरे पास पड़े हैं आठ लाख रुपए देने हैं मेरी तो लिमिट ही कितनी पड़ रही है बारह मैं तो पैसे ही बड़े कम मांग रहा हूं चलो इधर से भी हो गया पास इधर से भी हो गया पास निकलवा लो पैसा कोई चक्कर नहीं तेरी तो मैक्सिमम लिमिट ही कितनी थी बारह पच्चीस तो तू तो मांगी कितने छह सत्तावन पांच सौ इधर से पास तीसरी कंडीशन बैलेंस ऑफ रिजर्व बैलेंस ऑफ रिजर्व पच्चीस में से कितना निकलवाओगे 657, सर जी दिस इज दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट सारा थोड़ी निकलवाना है तेरे को चाहिए कितना खुद तो क्या कह क्या छे सतावन पांच सौ चाहिए मैं कहा अच्छा पच्चीस में से अगर इतना निकलवा लेगा कितना बचा अठारह बयालीस पांच सौ रिजर्व में अभी भी पड़े रिजर्व्स में अभी भी पड़े जो कि जो कि तेरी पेड अप कैपिटल का कितना परसेंट होना चाहिए कम से कम अच्छा पंद्रह परसेंट मैंने उधर से कंपेयर करा मेरी अप कैपिटल कितनी है सर नाइनटी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड इसका पंद्रह परसेंट कर इसका पंद्रह परसेंट कर कितना आया फोर्टीन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड आपके रिजर्व में बैलेंस इतना होना चाहिए था वो तो ऑलरेडी कितना पड़ा है तीनों कंडीशन पास अपना छे सतावन पांच सौ निकालो डिविडेंड बांटो लोगों कुछ को खुश करो कोई दिक्कत नहीं दीज आर दिप्लीकेट कंडीशंस कि तीनों कंडीशंस का कंप्लायंस आपका होना चाहिए नंबर वन इज रेट नंबर टू इज अमाउंट वाइल टेकिंग द अमाउंट यू हैव टू कंसीडर वन टेंथ ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस बट सर दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट मैं ये नहीं कह रहा कि बारह पच्चीस निकालो जरूरत है तो निकाल ले कम जरूरत है तो कम निकाल ले निकाला तो इस क्वेश्चन में सचमुच में कितना है सिक्स फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड विच इज माई विच इज माई रिक्वायर्ड अमाउंट जो मेरे पास क्या पड़ रही थी कम पड़ रही थी यही मांगूंगा मेरे को तो ये अमाउंट चाहिए मेरा काम बन जाएगा मेरे तो आठ लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे डिविडेंड बांटना शुरू कर दूंगा दिस इज द मैक्सिमम जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि सर आपने बारह पच्चीस ही निकलवाया दो कहा निकलवाया

Yes, कहा रूल्स तो के लिए हुँ? हुँ? फिर आप लॉसेज को भी तो ज्यादा निकलवाओगे क्योंकि पांच सौ वो चाहिए और ऊपर से लॉस सेट ऑफ करने हैं पर हाँ जो चाहिए जो लॉसेज है टोटल अमाउंट बारह पच्चीस ही होगी मैं निकलवा तो सिर्फ कितने सकता हूं बारह पच्चीस मान ले यहां पे तेरे पास तेरे पास लॉस होता छ लाख रुपए या चल सात लाख रुपए कितना लॉस होता सात लाख अमाउंट टू तो बी विड्रॉल कितनी थी अमाउंट जो मैं निकाल सकता था बारह लाख पच्चीस बारह पच्चीस में से सात लाख तो ये चला जाएगा क्योंकि वो कंडीशन है कि जो भी लॉसेज आपके सेटअप होंगे सर अब बारह पच्चीस में से सात लाख अगर ये खा गया लॉस बचा कितना पांच पच्चीस ले सकते हो अपना डिविडेंड वगैरह कम करवाओ जहां मर्जी से दस परसेंट नहीं मिल पाएगा क्यों कंडीशन गई बीच में बारह पच्चीस में से पहले कौन खाएगा लॉस कितना बचा पांच पच्चीस एक 42 तेरे पास पड़ा है मैक्सिमम इतना डिविडेंड आएगा अब तेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे छह सतावन पांच सौ कहां से दें रिजर्व में से जितनी अमाउंट आ सकती थी मैंने यूज़ कर परसेंट बांट, बांट ले पर इतने पैसे नहीं होंगे क्यों लॉसेस क्या थे ज्यादा अमाउंट विद्रॉल जो आपने करी पहला पार्ट तो वो खा गया उसके बाद जो बचा वो डिविडेंड के लिए मैं क्या कर सकता था यूज वो अमाउंट कम पड़ गई मतलब सर कंडीशन नहीं है आपको अपना डिविडेंड रेट क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा दिस इज द पॉइंट हाँ फिर अगली बार फिर अगली बट हाँ, उसमें क्वेश्चन प्रोवाइड करा है उसमें क्या है कि जो एक्चुअल डिविडेंड के लिए निकाल एक बता लॉसेस को सेट ऑफ करना रिजर्व्स खत्म थोड़ी हो रहे हैं वो तो एक तरफ लॉस पड़े एक तरफ क्या पड़ा है रिजर्व बट कहने के लिए वर्ड क्या हो गया बारह पच्चीस बारह पच्चीस में से सात की प्रोविजन वर्ड बढ़ गया किसमें चला गया लॉस के अगेंस्ट यूज कितना कर पाओगे एक्चुअली पैसा कितना बार आ रहा है पांच पच्चीस थर्ड कंडीशन में पांच पच्चीस ही माइनस होता जो आईसीआई का क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा जो मॉड्यूल में भी आपको देखा सच आपके लेटेस्ट मॉड्यूल में ये टॉपिक कंप्लीट होने दो ये टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए लास्ट में जब मैं आईसीआई की एक्सरसाइज आपसे डिस्कस करूंगा वहां पे भी एक नोमिकल यही वर्ड पे वहां पे मिलेगा छानेंगे सर एक एक वर्ड छानेंगे बट स्टेप हुआ क्लियर बेसिक कंडीशन क्लियर हुई चलिए नेक्स्ट आते हैं सर आगे पॉइंट पे आइए एक्चुअल रेट भी, भी हां जी बिल्कुल जो भी है अब एक्चुअल रेट आपने दस परसेंट करा था तभी तो वो डाउन जा रहा है क्लियर

फ्री तभी मैंने डेफिनेशन ऊपर क्या लिखवाई फ्री रिजर्व आर दोबल फॉर डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन चलिए नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन डेक्लेन ऑफ डिविडेंड सर बेसिक पॉइंट एक वर्ड होता है रिस्ट्रिक्शन एक वर्ड होता है प्रोहिबिशन दोनों में फर्क क्या प्रोहिबिशन बिल्कुल बना है कर ही नहीं सकते रेस्ट्रिक्शन मीन्स विथ समयसेस विद सम फॉर्मेलिटीज आप उस चीज को कर सकते हैं क्लियर सो so, यहां वर्ड क्या लिखा गया प्रोहिबिशन सख्त मनाही है नहीं करना क्या नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन पहली बात तो डिक्लेयर्ड ऑन किस पे अब बच्चों ने ये कंडीशन पढ़ के ना प्रेफरेंस वालों को भी नहीं दिया तुम भी जाओ <laughs> यहां पे लिखा किस पे हुआ सिर्फ इक्विटी पे है समझे ऐसी छोटी छोटी चीजें ना एमसीक्यू में लेकर आते तभी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपन एक बार डे वन से जितना माइन्यूटली पढ़ सकते हैं ना आपको जितनी मैं वर्डिंग्स दे सकता हूं आपके माइंड में वो चीज वैसे ही बैठनी शुरू करें आप लोग भी वैसे ही लॉ को पढ़ना सीखें छोटा छोटा पॉइंट क्या लिखा हुआ है एक एक वर्ड का मीनिंग आप लोगों को दिया जाए क्योंकि सर हमें एमसीक्यू भी क्या करने हैं स्ट्रॉन्ग करने हैं थर्टी मार्क्स का पेपर मेरा किसमें से है एमसीक्यू में से क्लियर यस इफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद अगर कंपनी ने कंप्लायस किसके साथ नहीं करा नंबर वन पढ़िए सेक्शन सेवनटी थ्री जो कि किसके रिगार्डिंग है

एक भी रुपया डिविडेंड नहीं बांट सकता किसको इक्विटी वालों को जिन लोगों से पैसे उधार पकड़े हुए हैं उन लोगों का पैसा तुम वापस नहीं कर रहे यहां तुम पार्टियां कर रहे हो यहां पे पे तुम डिविडेंड डिविडेंड बांट रहे हो बढ़िया से बढ़िया मीटिंग रख रहे हो शर्म भी आनी चाहिए मनी मोटी लॉबिस ठीक है कि पहले जिन लोगों से पैसा पकड़ा हुआ है उन लोगों की तो रीपेमेंट नहीं हो रही तुमसे उन लोगों को तो आपने पेमेंट नहीं करी और इधर से तुम अपने इक्विटी वालों को खुश कर रहे हो Owners को को डिविडेंड बांट रहे हो, ही लेते हैं आनी चाहिए कि आप डिविडेंड से ले लोगे, जबकि लोगों का पैसा तो वापस किया नहीं जा रहा That is the point. कहते सर, क्या लिखा हो सर पहला पहला या तो आपने डिपॉजिट ही गलत करे या उनकी कंडीशन का कंप्लायंस नहीं करा या उनकी रीपेमेंट को लेकर पैसा वापस नहीं करा कोई नॉन कम्पलायस 73, 74, कोई नॉन कंप्लायंस हो हम आपको डिविडेंड डिविडेंट बा मैं कह सर जिंदगी भर क्या बांट ही नहीं पाऊंगा ना ना कंप्लायंस सही कर दे कंप्लायंस सही कर दे डिविडेंड बांटना शुरू कर ले पर फॉर सर जब तक तेरा वो डिफॉल्ट है तब तक एक भी रुपया इक्विटी वालों को क्या नहीं जाएगा डिविडेंड एक इसके ऊपर लिख ले सिर्फ इक्विटी के ऊपर सिर्फ इक्विटी शेयर्स नॉट प्रेफरेंस ताकि तुझे याद रहे सर जी प्रेफरेंस वालों को मत रोक देना उनका तो डिविडेंड देना पड़ेगा ही पड़ेगा क्लियर पढ़िए यस द दिस प्रोहिबिशन जी कंटिन्यू कंटिन्यू सो लॉन्ग एज फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 73 और 74 साइड पे लिख डिफॉल्ट सही करें एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड है या डिविडेंड बांटना शुरू करें अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखेगा क्या वर्ड बोला मैंने डिफॉल्ट सही करें

देना ही नहीं है देना ही नहीं है वो पूरा माहौल बना देगा और बीच में हल्का सा वर्ड कहीं लिख देगा क्या कंपनी का कोई सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट चल रहा है रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स को लेकर कोई एक्सेप्टेंस को लेकर कोई कंडीशन को लेकर सेवनटी थ्री सेवनटी फोर देना ही नहीं सर आप उनके लिए अरेंजमेंट ढूंढते फिरने कहा से पैसा इकट्ठा करेंगे देना ही नहीं है स्ट्रिक्टली वर्ड क्या लिखा हुआ है प्रोहिबिशन नेक्स्ट इज अब चलिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू ओ करना किसको पेमेंट किसको करनी है सिंपल सर द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो भी उन शेयर्स का मालिक होगा उसको दे दीजिए, पढ़िए, पहली पहली उसको दो उसको नहीं देना और ऑफ जिसको रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कहेगा मान लो कंपनी में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन था मैं मैंने कंपनी को ऑर्डर दिया कि डिविडेंड मुझे नहीं साहिल सर को दे दिया करे ठीक है मेरे कहने पे ही उन्होंने दिया पहली प्रायोरिटी मेरी दूसरी प्रायोरिटी मैं जिसको कहूंगा तीसरा द बैंकर्स ऑफ दी क्या लिखा हुआ है बैंक बी आर एस में मैंने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मेरे जगह जगह से जो डिविडेंड आते हैं आप कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दिया करें अब मेरे भी हाथ पे डील कौन कर रहा है मेरा बैंक ठीक है सर कंपनी क्या करेगी बैंक में आपके प्रोवाइड कर देगी ये भी आजकल सिस्टम खत्म हो गया आजकल तो ऑनलाइन स्क्रिप्ट केस में ऑनलाइन डीमेट के केस में तो आपको पता ही है कि डे वन से आपका अकाउंट लिंक्ड है पैसा आएगा ही किसमें बैंक में अब तो उल्टा बार ये रह गया या तो रजिस्टर्ड या ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड जिसको मैं कहूंगा क्योंकि तो ये मेरा बेनिफिट था और एक फाउंडेशन में वर्ड आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में असाइनमेंट मैं अपना बेनिफिट किसी को भी क्लियर चलिए सर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा जी हाँ जी डिविडेंड बी एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन इन कैश कैश का मतलब क्या हुआ नगद नहीं कह रहा ठीक है ना गिनने लगे लगा के <laughs> आपके इतने पैसे वो चीज नहीं है ना नगद का मतलब बाय बैंकिंग चैनल वो तो आज के टाइम में पता ही है कैश पेमेंट तो कहीं अलाउड नहीं है जितना भी पैसा इवन फ्रैक्शन में कभी किसी मान लो शेयर्स ले रखे हैं किसी के चालीस रुपए आ रहे हैं किसी के पंद्रह रुपए आ रहे हैं किसी का पांच सौ रुपये आ रहे हैं जो भी आएगा हर सिंगल पेमेंट किस में आएगी बाय बैंकिंग चैनल कैश का मतलब नगद नगद इन द सेंस सर वाया बैंकिंग चैनल ही आपके अकाउंट में वो पैसे रिफ्लेक्ट करेंगे मेरा कहने का मतलब था डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन शेयर होल्डर्स को कुछ करने जिस तरह का हम काम करते हैं वही समान बांटना शुरू कर दिया रिफाइंड ऑयल का काम था लो जी 5-5 पांच -पांच लीटर के बिकने ले जाओ ये डिविडेंड तोड़िए राशि इकट्ठा करने लगे वहां पे काइंड नहीं होगा आएंगे तो पैसे ही क्लियर नेक्स्ट इज हाउ एवर द डिविडेंड मे बी पेड बायर छोड़ मे वर्ड छोड़ होता ही क्या क्या? है? Okay. है, हाँ, है ये ये तेरा नया नया जैसे गिफ्ट वाउचर नहीं होते फ्लिपकार्ट पेटीएम Amazon. Amazon, इन सबके क्या आते हैं गिफ्ट वाउचर आते हैं हमने तो जी पांच हजार का कूपन आपको दे दिया जहां मर्जी यूज कर

अब हमने तो पे करना ही है ना हमने तो सबको देना है क्योंकि हमारी डेडलाइन है हमारी टाइम लिमिट है हमने टाइम से पे ना करा हम फंसेंगे कहता पर अभी रुक मैं कह रुकने वाला सीन नहीं है आप ऐसे करो हमसे डिविडेंड वारंट ले लो जैसे बेर इंस्ट्रूमेंट ठीक है ना पांच का नोट फिर ये अपने आप में क्या बेर इंस्ट्रूमेंट है जिसके हाथ में उसका हमसे ले ले जो भी पर्सन आप रोटेट करते रहो ये भी मनी है रोटेट करते रहो कोई दिक्कत नहीं जिसको चाहिए होगा मेरे पास आ जाना मेरी वो वारंट वापस कर जाना मेरे से कैश ले जाना बात कर इतना क्या सोचने वाला पेमेंट खत्म करनी है ढूंढो क्योंकि अगर डिविडेंड उसको डिक्लेयर हो चुका अगर तीस दिन के अंदर पेमेंट ना हुई हम लंगे लंबे चक्कर में फंस जाएंगे क्यों वो अनपेड डिडेंट अकाउंट में जाएगा सेक्शन 124 आगे से फिर आई ई पी एफ में जाएगा हम नहीं चाहते हमसे डिविडेंड वॉरंट ले लो यार जब आपको पैसे चाहिए कर जाना कैश ले जाना काइंड ऑफ कूपन क्लियर और या फिर वर्ड क्या चलता है जी अपना इलेक्ट्रॉनिक वोट वाया नेफ्ट आरटीजीएस आरटीजीएस तो बड़ी अमाउंट के लिए होती है वाया नेफ्ट क्लियर आप लोगों के लिए जो चलता है वर्ड यस कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है हाँ जी

या कोई बोनस कॉल दे बोनस कॉल कभी सुना बट आपका सिक्स अप था दस रुपए वाला शेयर कितना अप था सिक्स अप जाओ चार रुपए देने की जरूरत नहीं है कंपनी उसको बोनस कॉल में देनी आपने सिर्फ कितने दिए छह जबकि शेयर है कितने का दस क्योंकि चार रुपए किसने दे दिए कंपनी ने एज अ बोनस कॉल बट जहां पे कंपनी देती है बोनस शेयर वो पूरा पूरा शेयर होता

जैसे मोस्टली अपने भी लोगों की आता है जेब में पैसे पड़े थे चल गए नहीं याद रहा किसी के थे नहीं याद रहा किसी को देने थे जेब में जिस दिन पैसा होता हौसला हो, ही बहुत होता है ना <laughs> अब इन दैट केस मैं कहा जी अब डिक्लेयर देखो जब तक तो रिकमेंडेड था कौन सा कोई लाइबिलिटी थी पक्का थोड़ी था अब तो पक्का भी हो चुका अब तो एजीएम में मेंबर में उसको क्या कर चुके डिक्लेयर भी कर चुके अब तो वो क्या बन चुकी लाइबिलिटी तभी तुम अकाउंट्स में प्रपोज्ड डिविडेंड वर्ड कभी भी लाइबिलिटी साइड पे नहीं लेते। कैश फ्लो करा है, अगर तुमने है तो कभी देखना कभी भी की पे नहीं मिले। है। थोड़ी है बट लाइबिलिटी कब बनेगी जब मेंबर उसको क्या कर देंगे डिक्लेयर दैट इज द रीजन दैट इज द रीजन इस कारण तुमने कभी भी प्रपोज्ड डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं दिखाया मन करे मैं प्रपोज्ड करूं और उधर से मेंबर्स क्या कर दें? मना कर दें? कोई नहीं। अगले को कर चुके कि देन है। फिर को हो, वो सारे पैसे उठाओ जहां भी जिस भी फंड में पड़े एक अलग बैंक अकाउंट में जिसको हाथ नहीं लगाओगे सिर्फ किस परपज के लिए यूज होगा डिविडेंड जो पेमेंट जाएगी वो किसमें से जाएगी इसमें से तुम्हारा क्या पता नॉर्मल बिजनेस में यूज कर दो बाद में को कोई नहीं जी अगली पेमेंट में करवा देंगे अगले पैसों में अगले पिछले कुछ नहीं ये पैसा आज ही उठा के विदिन कितने दिन में पांच दिन ऑफ दी कहा से डेक्लेन ऑफ डिविडेंड यहां पे टाइम फ्रेम बनाएंगे सर यहां पे हमने क्या कहा लेटेड बी दिस इज डेट ऑफ डेट ऑफ क्या थी डेक्लेन ऑफ डिविडेंड नीचे बना लीजिए आप टाइम फ्रेम जस्ट नॉर्मली क्लियर सिंपल लाइन लगा के लेट इट बी दिसरेशन वहां से विद इन विद इन कितने दिन में फाइव डेज डेज़ में ये पैसा कहाँ जा जाना चाहिए सर सेपरेट बैंक अकाउंट में सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या हो जाना चाहिए डिपॉजिट हो जाना चाहिए ये सबसे पहला कंप्लायंस है डिक्लेयर होने के बाद सबसे पहला कंप्लायंस विद इन पांच दिन एक बार तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आया ये बताओ अमाउंट कब तक जमा हो जानी चाहिए थी डेट वाइज चार अलग अलग डेट्स थी उनमें से टिक करो कौन सी डेट तक आंसर जब विद इन वर्ड यूज करते हैं ना द डेट ऑफ दिक्लरेशन इज नॉट काउंटेड यहां से अगले पांच दिन समझे पॉइंट तो हो सकता है कैलेंडर वाइज में भी कोई क्वेश्चन डेट ऑफ इसी पे आज कब तक ये पैसा बैंक में डिपॉजिट हो जाना चाहिए था एमसीक्यू में टिक करो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे

कहां पे होना चाहिए स्केड्यूल्ड बैंक स्केड्यूल्ड सेपरेट मेन कंपनी का अकाउंट नहीं होना चाहिए अलग ओपन करवा चाहे दस दिन के लिए ओपन करवाना पड़े चाहे एक महीने के लिए ओपन करवाना पड़े ना अलग ओपन करवा उसमें पैसा जमा करवा यहीं से नेक्स्ट आगे पेमेंट डिस होंगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा अकाउंट क्लोज करवा देना दीज आर कॉल्ड एज अकाउंट्स इनको वर्ड बोलते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ओपन किए जाते हैं लॉ में कई जगह मिलेगा कई जगह पैसा उठा के सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो मैं जी, कितने अकाउंट सर आप अपने बैंक को गाइड करो कि अपना सर ये ओपन करवाइए बट ये दीज आर कॉल्ड एसक्रो ई एस सी आर ओ डब्ल्यू एस्क्रो अकाउंट स्पेशल पर्पज अकाउंट एंड जब पर्पज कंप्लीट हुआ पॉइंट समझे पॉइंट चलिए यस

अब नेक्स्ट एक छोटी सी आपके पास ये केस स्टडी है सेल्फ देख सकते हैं नवंबर एटीन में ऑलरेडी आई हुई है वन ट्वेंटी फोर सेक्शन हम कल से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे ये केस स्टडी फटाफट खत्म करी सेल्फ डू इट फास्ट Reserves को लेकर है एंड रिजर्व को लेकर आपने पॉइंट क्या पढ़ा नॉट मैंडेटरी इट्स ऑप्शन एंड सच परसेंटेज भी क्या है सच परसेंटेज एज इट मे डीम क्लियर सो ऐसी ही केस स्टडीज आएंगी और इस बुक में यही चीज है या इवन मॉड्यूल में भी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही जो क्वेश्चन है वो आपको साइड बाई साइड मिलते रहेंगे हम लोग डेली पार्ट में ये क्लासरूम पार्ट ही हुआ करेगा कि जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया जो इस बुक में क्वेश्चन है वो तो आप साथ के साथ ही क्या करो वाइंड अप एंड लास्ट लेक्चर जो हुआ करेगा हर टॉपिक का दैट विल बी द आईसीआई मॉड्यूल एंड आईसीआई मॉड्यूल में से हमें करनी होती है दो चीज वन इज द न्यू थिंग्स वैसे आपके पास तो अपडेटेड बुक आएगी इसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा स्टिल इक्का दुका पॉइंट कहीं ना कहीं निकलता है आईसीए मॉड्यूल में कोई नया चीज गिवन है कोई एग्जांपल गिवन है विद एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर हर चैप्टर का मेरा क्या हुआ करेगा आईसीआई मॉड्यूल लॉ नहीं रेफर करना लॉ नहीं पढ़ना ऐसे मॉड्यूल में से वो तो सेक्शन यहां भी सेम है वहां भी सेम है क्या पढ़ना है सिर्फ क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करनी है सिर्फ एक्सरसाइज दैट्स इट बाकी अपना उसमें से कोई काम नहीं है बहुत बच्चे क्या करते हैं सर इधर से भी पढ़ रहे हैं फिर मॉड्यूल भी पढ़ रहे हैं वो डबल डबल काम कर एक ही चीज पढ़ अच्छे से पढ़ लॉ में तो क्या है सेक्शन है यहां भी वही लिखा मिलेगा वहां बट इनकी थोड़ी प्रेजेंटेशन वाइज हमें अच्छी लगती है बट इस बार से आईसीआई ने मॉड्यूल अपने बहुत अच्छे कर दिए बहुत बढ़िया मतलब बनाया गया है मटेरियल काफी हेल्प इन बिटवीन में मॉड्यूल्स की भी लूंगा तो हम लोग आईसीआई के मटेरियल से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाए इज क्लियर सो वन ट्वेंटी फोर सेक्शन हमारा कल से क्या होगा स्टार्ट होगा वन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी वन चलिए ओके जी थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट ओके बच्चे